Draw a graph for quadratic polynomial y is equals to minus x square plus 1. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं. ओके, तो मैं लिख लेता हूँ y is equals to माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब आप x की कुछ वैल्यूज़ रैंडमली ले लो, लाइक x की वैल्यू 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ भी ऐसी वैल्यूज़ ले लो और आप देखो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है. तो पहले मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ. अगर मैं x को 0 ले लूँ तो y क्या बनेगा, y इज़ इक्वल्स टू माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा. तो 0 स्क्वायर की वैल्यू तो होती है 0, माइनस 0 प्लस 1, तो ये 1 बन जाएगा, राइट. ऐसे ही अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये पूरा कॉपी करना है आपको, माइनस कॉपी कर लो आप, एंड x की स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर लिखो आप, प्लस 1, माइनस कॉपी कर लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस 1 कॉपी कर लो, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 0. उसके बाद आप x की वैल्यू माइनस 1 लेकर चेक कर सकते हो, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस, और x की जगह मैं माइनस 1 का स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस 1, दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस, माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1, एक और प्लस 1, देन 0, राइट. हम कुछ और भी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 7 to 8 या जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ रहेंगी उतना बेटर रहेगा. तो 3 सॉल्यूशंस मैं फाइंड कर चुका हूँ, मैं लगभग 4 और फाइंड करता हूँ. x की वैल्यू माइनस 2 पर देख लेता हूँ क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2 पर मुझे क्या मिलेगा. अगर मैं x को 3 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी होगी, और x की वैल्यू अगर मैं माइनस 3 ले लूँ तो क्या होगा, ये सारे मैं सॉल्यूशंस निकाल लेता हूँ. तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी माइनस, x की जगह मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1, माइनस लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3. यहाँ पर हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर, ये सॉरी मैंने ऊपर माइनस 2 लिया है, राइट. तो आप इसको माइनस 2 लिख लो, माइनस 2, लेकिन माइनस 2 स्क्वायर का मतलब भी 4 ही होता है, और वो 4 जब बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 मिल जाएगा, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा. इधर आते हैं, माइनस 2 पर स्क्वायर लगाता हूँ, प्लस 1 लगाता हूँ, माइनस कॉपी करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 लिखता हूँ, और ये आ जाएगा माइनस 3. देन 3 पर फाइंड करता हूँ, तो y इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, ये है माइनस 3 स्क्वायर होता है 9, प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 8, राइट. देन y की वैल्यू माइनस लिखता हूँ मैं, फिर माइनस 3 का स्क्वायर लगाता हूँ, प्लस 1 लिखता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा माइनस 8. अब मैं इन सारे सॉल्यूशंस को कॉपी कर लेता हूँ. x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, x 0 और y 0. जब x 1 था, एक मिनट, शायद मैंने कुछ मिस्टेक की है. x जब 0 है तो y कितना है, y 1 है, x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 1 है, 1 कॉपी कर लेता हूँ. जब x 1 था तो y 0 था, जब x माइनस 1 था तो y 0 था, राइट. ये मैंने फाइंड किया था, देखो x 1 है तो y 0 है, x माइनस 1 है तब भी y 0 है, x जब माइनस 2 है और प्लस 2 है तो उस टाइम पर y की वैल्यू माइनस 3 है. तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, x की वैल्यू जब 2 है तब ये माइनस 3 है, माइनस 2 पर भी माइनस 3 है, और 3 और माइनस 3 पर मुझे क्या मिल रहा है, 3 और माइनस 3 पर मुझे मिल रहा है माइनस 8 एंड माइनस 8, तो मैं माइनस 8 कॉपी कर लेता हूँ, माइनस 8, माइनस 8, आई होप ये क्लियर है. तो अब ग्राफ के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ y एक्सिस, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसे हम बोलते हैं x एक्सिस. ओके, x एक्सिस, ओके, या फिर शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ y एक्सिस यहाँ बीच में, और x एक्सिस भी मैं इसी तरह ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, राइट. ओके, सो दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस. ये कुछ नंबर्स हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इधर होंगे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 एंड सो ऑन. y एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर होते हैं प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 एंड सो ऑन. और नीचे की तरफ होगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8. ठीक है जी, चलो जी प्लॉट करते हैं इन वैल्यूज़ को. तो पहला है 0, 1, तो 0, 1 यहाँ पर होगा,
ओके ये तो आप जानते होंगे, 1,0 इज हेयर, -1,0 इज हेयर, 2,-3 इज हेयर, -2, -3 विल बी हेयर, 3,-8 विल बी हेयर, -3, -8 विल बी हेयर। ओके अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो तो आपको एक ग्राफ मिलेगा, वही इसका ग्राफ है। ओके तो आप देखो ना, ये मैं ज्वाइन करता चला जा रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है। ये जो शेप है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। और अगर मैं आगे वैल्यूज़ फाइंड करता लाइक 4 पर -4 पर, तो ये ग्राफ कुछ आगे की तरफ ये बढ़ जाता, राइट। तो ये एक पैराबोला है। मैं आपको इसके लिए एक एक्चुअल ग्राफ भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपको एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा मिलने वाला है, ठीक है जी। आई होप ये पूरी तरह क्लियर है।